हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। यूपी से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में एक युवक को इस करना इस कदर भारी पड़ा कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। युवक जिस लड़की से बेइंतहा प्यार करता था, जिस लड़की ने उसका दिल चुराया था, उसी लड़की ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर उसकी सांसें भी चुरा ली। युवक के घर वाले बेटे की मौत के बाद सदमे में हैं, वहीं अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मिल रही जानकारी के मुताबिक यूपी के गोंडा जिले के छपिया थाना क्षेत्र में आज सुबह गन्ने के खेत में काम करने गए किसानों को एक युवक का शव पड़ा मिला। शव देख किसानों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने शव की पहचान करनी शुरू की तो पता चला नरसेवा गांव के रहने वाले भगवान दास का बेटा कल रात से लापता है। पुलिस ने भगवान दास को शव की शिनाख्त के लिए बुलाया। जैसे ही भगवान दास ने लाश को देखा, वो फूट फूट कर रोने लगे। ये उनके बेटे सरोज की ही लाश थी। भगवान दास ने पुलिस को बताया कि सरोज का पास के गांव नौडिहा के रहने वाली मनीषा से प्रेम प्रसंग चल रहा था। देर रात मनीषा ने फोन कर सरोज को मिलने के लिए बुलाया था, जिसके बाद सरोज मनीषा से मिलने के लिए रात 10 बजे घर से निकल गया था। भगवान दास ने पुलिस को बताया कि मनीषा के घर वालों को मनीषा और सरोज का रिश्ता कतई पसंद नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने ही उनके बेटे सरोज को मौत के घाट उतार दिया है। सरोज के पिता भगवान दास ने प्रियंका मनीषा, मनीषा के पिता राम तेज, भाई सुनील, माँ और भाभी समेत 5 लोगों पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया है। 5 अगस्त 2022 को थाना छपिया पर श्री भगवान प्रसाद, जो कि ग्राम नरेचा थाना छपिया के रहने वाले हैं, उनके द्वारा थाना छपिया पर लिखित तहरीर दी गई कि उनका पुत्र सनोज, जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष है, वह नौडेवा गढ़ही की एक लड़की से उसका प्रेम संबंध था। कल वह उस लड़की से मिलने के लिए रात 10 बजे गया था नौडेवा में। उसको उसकी हत्या करके उसके शव को गन्ने के खेत में डाल दिया गया है। श्री भगवान प्रसाद द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर उनके द्वारा नामित कराए गए 5 अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। थाना छपिया पुलिस द्वारा शव को पंचनामा की कार्रवाई कराकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। मृतक सरोज के पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पत्रकारों से बात करते हुए एसपी आकाश तोमर ने कहा कि वो जल्द ही पूरी घटना का खुलासा कर देंगे और हत्यारों को उनकी सही जगह सलाखों के पीछे पहुंचा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गोंडा, यू न्यूज़ यूपी।